सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और जी हाँ गाइस, टाइटल आप लोगों ने काफ़ी सही पढ़ा है। यहाँ पे टिकटॉक की अनबैन होने की यहाँ पे न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, सारा कुछ बताऊंगा डिटेल्स में इसी वीडियो को। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, एंड में कॉन्टेंट पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आई गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं इसी के बारे में बात करना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइटी डांस, या फिर बाइट डांस आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको US ने 20 सितंबर तक का टाइम दिया हुआ था। अगर 20 सितंबर के अंदर में अगर इसको कोई US बेस्ड कंपनी एक्वायर कर लेता है तो ये US में अनबैन रहेगा, मतलब कि बैन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कंडीशंस रखा गया था US के गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज में बिड भी रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे टिकटॉक ने तो किसी को एक्वायर करने नहीं दिया था फिलहाल। एंड यहाँ पे चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पे कुछ रिप्लाई दिया था, ऐसा कहा था कि आप जो फोर्स सेल करवा रहे ये करने नहीं देंगे और हम इसको एक्वायर करने नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ है। और उन्होंने ऐसा भी बोला था गाइस कि अगर शट भी हो जाए उनका ये टिकटॉक ऐप तो वो शट कर देंगे, लेकिन इसको फोर्स सेल में नहीं डालेंगे। लेकिन गाइस फाइनली यहाँ पे इसका नतीजा बाहर आ चुका है और यहाँ पे हम सबको दो रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। पहली की दोस्तों की ऐसा बताया जा रहा है कि बाइटी डांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है उसका जो बिड रिक्वेस्ट था यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ओरेकल कंपनी है जो भी एक US बेस्ड कंपनी है गाइस, और ये IT सॉफ्टवेयर से यहाँ पे रिलेट करती है वगैरह वगैरह काम करता है। इसके बारे में सर्च करना इंटरनेट में, आप काफी ज्यादा जानते होंगे अगर आप IT डिपार्टमेंट से होंगे। सो ओरेकल ने भी बिड किया हुआ था, लेकिन ओरेकल की जो यहां पे बिड को यहां पे टिकटॉक की जो कंपनी है इसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा एक रिपोर्ट आ रही थी। मतलब कि इसका जो सारा डेटा हैंडलिंग होगा US के अंदर होगा, जो कि ओरेकल यहां पे देखने वाला है। सो गाइज, ऐसा कुछ यहां पे एक रिपोर्ट आ रही थी। सो गाइज, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर यहां पे ओरेकल अगर इसका सारा डेटा हैंडलिंग करता है, इसका सर्वर वगैरह जो डेटा होगा वो US के अंदर ही रहेगा ओरेकल के अंडर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है डेटा के सिक्योरिटी को लेकर। सो US में ये अनबैन रहेगा, ऐसी न्यूज़ आ रही थी। लेकिन बेसिकली गाइस, टिकटॉक जो है ओरेकल का यहाँ पे प्रीफर्ड पार्टनर बन गया है। यहाँ पे टिकटॉक का जो यहाँ पे रिलेशन होगा बाइटी डांस से वो अभी भी रहेगा। सो गाइस, इसका जो सर्वर से नहीं वो चाइनाज में रहेंगे, और गाइस यू नेवर नो, चाइनीज ऐप है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। सो ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी। और दूसरी रिपोर्ट ये भी है गाइस कि इसके थोड़ी देर बाद ही ऐसा कन्फर्मेशन आया कि टिकटॉक वालों ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ओरेकल कंपनी को उन्होंने इसका जो बिड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया वगैरह वगैरह। सो गाइस देखते हैं, यू नेवर नो, ये चाइनीज ऐप है और गाइस ये चाइना वाले कुछ भी छुपाते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कुछ दो न्यूज़ आई थी जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन गाइस, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अगर यहाँ पे ओरेकल का जो बिड है वो सही में अगर सच हुआ, वो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इंडिया में भी इसकी वापसी काफ़ी जल्द हो सकती है, क्योंकि इसका जो सारा सर्वर्स है, सारे डेटा वगैरह जो इंडिया में जो आपको सिक्योरिटी थ्रेट देने वाले थे, मतलब जो आपको जो डेटा था वो अब US बेस्ड कंपनी के अंदर रहेगा जो कि है ओरेकल। सो हो सकता है ये इंडिया में भी वापस आ सकता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे मेरी यहाँ पे जो गट फीलिंग से ये बोल रही, क्योंकि यहाँ पे ये अनबैन नहीं होने वाला उतना जल्दी इंडिया में बेसिकली, क्योंकि गाइस इसका जो रिलेशन है बाइटी डांस कंपनी से अभी भी है, जो कि एक चाइनीज, पूरा चाइनीज ही कंपनी है। सो आप निश्चिंत रहो, ये इंडिया में इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला है। सो बस गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप अपना व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है इसी टिकटॉक अनबैन के बारे में। सो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।